इतने ने बोले सचिन जी मुझसे बदलू तुम एक बात बताओ ये जब जाने नहीं थे तो मजा नहीं आता इसे वैसे तो बहुत बड़ा इम्तिहान है बगैर माइक के रिमांड है हाँ इसीलिए इसके बारे में तो बड़ी प्यास है बोलने की नहीं नहीं आवाज ना तो ना बोली चलो ऐसे वो अभी मैं देख लिया माहौल के हिसाब से मैं वैसे ही बना देता हूँ कि तेरे चेहरे से ही मेरी पहचान है ऊपर वाला भी तुझ पर मेहरबान है कम थी जो सेंचुरी तेरी रखा ध्यान है नंबर वन बन गए हो तुम कहता जान है अल्लाह भैया बॉल फेंक गया था चल सचिन के लिए मैं इतने कहूंगा कि मेरी सांसों की रूमानी तुम हो इन बहारों की जवानी तुम हो आप सबसे साफ कह दिया है मैंने कि सचिन जी मेरी जिंदगी की कहानी तुम आप तो जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है मैं क्रिकेट की पूरी नॉलेज है मगर उन्हें फुटबॉल का कितना ज्ञान है मेरी तब समझ में आया जब मैं और सचिन तेंदुलकर दोनों फुटबॉल का फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे मैच शुरू होने के ठीक 15 मिनट बाद सचिन जी मुझे बोले अरे यार बलबीर एक बात बताओ यार ये एक फुटबॉल के पीछे इतने लोग क्यों भाग रहे हैं मैंने बोला सचिन साहब ये गोल करने के लिए भाग रहे हैं सचिन बोले आइला गोल करने के लिए यार ये गोल तो पहले से ही गोल है और कितनी बार करेगा नाइन एट टू सिक्स वन एट वन 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 टू हेलो दिस इज क्रेजी चैप्स जी हाँ ये क्रेजी चैप्स क्या है द एंटरटेनर मॉम क्रेजी चैप्स एक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप है यहाँ पर क्या होता है यदि आप में आर्ट है तो यहाँ पर आपकी कला को आप निखार सकते हैं और यदि आप कोई पार्टी या इवेंट अरेंज कर रहे हैं तो हम अरेंज करते हैं बर्थडे पार्टी लेडीज संगीत डीलर्स मीट प्रोडक्ट लॉन्चिंग फिल्म स्टार नाइट एनिवर्सरी डीजे पार्टी गेम शो डांस शो वाओ तब तो यहाँ हंगामा होगा ना हंगामा होगा